हाय गाइस, आज एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी आपको बताता हूँ। प्रतीक्षा तोंडवलकर की कहानी। तो कहानी शुरू होती है प्रतीक्षा जी की शादी से। तो प्रतीक्षा जी जो थी वो 16 या 17 वर्ष की आयु में थी, तब उनके घर वालों ने उनकी शादी कर दी। ये महाराष्ट्र की लेडी हैं, शायद उनकी कहानी है जो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी थी। न्यूज़पेपर में पढ़ी थी या इंटरनेट में कोई वेब पोर्टल था, उनकी कहानी पढ़ी थी। तो मुझे अभी याद आई क्योंकि एक कोई है, उनका मैसेज आया हमारे पास, तो मिलती जुलती उनकी कहानी है। तो प्रतीक्षा तोंडवलकर की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए उनको भी बायोलॉजी पढ़नी है, जिनका मेरे पास मैसेज आया, उनको भी आगे बढ़ना है। तो ऐसी प्रतीक्षा जी की शादी 17 साल की उम्र में हो गई। 7 पास थी वो, 6ठी पास या 7वीं पास, समथिंग ऐसी थी। और उसके बाद उनकी शादी के बाद एक वर्ष के भीतर उनकी एक संतान हुई। और 19 साल की जब वो हुई, यानी कि शादी के 2 साल बाद, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो जिस घर में वो रहती थी वहां से उनको निकलना पड़ा। तो बहुत सारे फाइनेंशियल स्ट्रेन्स उनके ऊपर आ गए। बट उनके हस्बैंड जो थे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कुछ एक छोटी मोटी पोस्ट में काम करते थे। तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जब उन्होंने कहा कि हस्बैंड के बदले मुझे कोई नौकरी मिल सकती है, क्योंकि मेरे तो खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं है, बच्चा पालना है, इतना छोटा है, आप समझ रहे हैं, दुखों का पहाड़ उस महिला के सर पे कैसे टूटा। तो स्टेट बैंक वालों ने उनसे कहा कि देखिए, आपकी एजुकेशन तो बहुत अच्छी है नहीं, आप 7वीं पास हैं, तो हम आपको स्वीपर की नौकरी दे देंगे, पर्यावरण मित्र बोलते हैं आजकल उनको, तो यहां पर आपको स्वीपर की नौकरी हम दे देंगे। तो उन्होंने, ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट करी वो जॉब। नौकरी करती रही करती रही, और इतनी ज्यादा तनख्वाह होती नहीं थी कि उसमें वो अपने जीवन के शौक पूरे कर सकें, क्योंकि बहुत सारे खर्चे थे, बच्चे को भी आगे देखना है। तो उसी स्टोरी में, जिस स्टोरी में मैं पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने ये लिखा था कि बच्चा कभी कभी बिस्किट का पैकेट मांगता था, तो मैं बिस्किट का पैकेट उसको नहीं खिला पाती थी, क्योंकि बच्चा एक पर्टिकुलर दुकान पे आके शायद रुकता था, इस दुकान से मुझे बिस्किट का पैकेट खरीदो, तो मैं बस से 2-3 स्टॉप पहले उतर जाती थी ताकि बच्चा वो दुकान को देख ही ना पाए। और 3-4 दिन बाद थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के एक पार्ले जी बिस्किट, कितने का आता है पार्ले जी बिस्किट, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 5 रुपए का आता है, तो वो तब खिला पाती थी उसको। आप समझ लीजिए कंडीशन लोगों की। और इतना ही नहीं, उसके बाद वो बता रही थी उस इंटरव्यू में कि इतना कम आटा चावल होता था घर में कि मैं एक ही रोटी बनाती थी, आधी बेटे को खिलाती थी, आधी खुद खाती थी। बहुत बुरी स्थिति, बहुत बुरी स्थिति में वो रही। लेकिन उस महिला को मतलब कदम चूमने चाहिए ऐसी महिला के, आप ये समझ लीजिए। अभी जब वो रिटायरमेंट हुई तो उस बैंक के एजीएम पद की पद से रिटायर हुई, शायद आप ये समझ लीजिए, रिटायर हो गई या होने वाली है, एजीएम पद में पहुंची वो। मीनवाइल पढ़ती रही पढ़ती रही, 7वीं पास महिला, उन्होंने 10th पास किया, फिर 12th पास किया, फिर ग्रेजुएशन करी। ग्रेजुएशन करने के बाद बैंकिंग के एग्जाम्स दिए होंगे, तब बैंक में सिलेक्शन हुआ होगा, तब जाके उतना बड़ा पद उनको मिला। तो इंसान की हिम्मत से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं होता। तो जिन लोग को लग रहा है ना कि वो लेक्चरर नहीं बन पाएंगे, हमारी कंडीशंस, हमको सो कॉल्ड कंडीशंस जो हमारी हैं, हमको अलाउ नहीं कर रही हैं, तो ऐसे प्रतीक्षा जी जैसे लोगों से आप लोग प्रेरणा ले सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों की तो मजबूरी वाकई में बहुत जेन्युइन होती है, लेकिन कुछ लोग अपनी मजबूरियों के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं कि हम इसका एक आड़ ले लेंगे और इसके पीछे छिप जाएंगे ताकि दुनिया के तानों से हम बचे रहें। तो हिम्मत नहीं है आप लोगों में,
तो हिम्मत अगर आप लोगों में होगी, साहस होगा ना, तो आप लोग कभी किसी चीज के पीछे छिपेंगे नहीं, हंसते हंसते एक्सेप्ट करेंगे हर चीज को, करना पड़ेगा। ये वक्त आपको सिखाई देगा, आज नहीं सिखाएगा कल तब भी सिखाएगा, 50 साल की उम्र में सिखाएगा, बुढ़े हो जाएंगे 70-75 साल की उम्र में, एक ना एक दिन वक्त आपको ये सिखा देगा। जितना जल्दी सीखो लाइफ में उतना आगे के लिए अच्छा है कोई भी चीज। तो साहस और हिम्मत करना और ऐसे बहाने बना के छिपना, मतलब ये सब चीजों से हमको बचना है, साहस और हिम्मत ही होना चाहिए। तो आप लोग लेक्चरर की तैयारी जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से लेक्चरर की तैयारी करिए, मन लगा के बस टूट जाइए, हमको बस इसके सिवा और कुछ है ही नहीं लाइफ में, नेट क्वालिफाई करना है, लेक्चरर बनना है, और एक दिन देखिए सफलता ना आपके पैरों के नीचे होगी, लेकिन वो दिन आने तक आपको थोड़ा कंसिस्टेंसी रखनी है, मेहनत करनी है, ठीक है। कल ही मेरे पास कुछ एडमिशन्स हुए हैं, कल शायद लोगों को समझ में आ रहा है कि टाइम फिसल रहा है, ठीक है, मतलब जब से ये फॉर्म निकले हैं तब से मेरे पास रोज मैसेज आ रहे हैं, रोज कोई ना कोई कितने मैसेज आ रहे हैं कि सर हमको भी करना है कैसे करें, उनकी हिम्मत जवाब दे जा रही है, अंदर से जोश पूरा है, लेकिन जैसे ही वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी हिम्मत जवाब दे जा रही है, किसी तरीके से वो पीछे हट जा रहे हैं। और मैं भी देखिए पलट के ये नहीं पूछता हूं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं आपको पलट के मैसेज उतना जवाब आपको दे सकूं। रात को 8-9 बजे के आसपास मैं थोड़ा फ्री रहता हूं, उस समय आपके साथ चैटिंग हो सकती है, अदरवाइज उस समय भी बहुत से लोग होते हैं जिनके साथ चैटिंग हो रही होती है, एक ही आदमी को मैसेज नहीं करना होता है ना। कल एक और का मैसेज आया, वो थोड़ा रूड था, लड़का था या लड़की थी आई डोंट नो, मैंने तो नाम पूछना भी जरूरी नहीं समझा, केमिस्ट्री के एडमिशन के लिए उनका मैसेज आया, बहुत रूडली उन्होंने गंदे से मैसेज भेजा, बोलते हैं कि सर हमको डेमो मिलेगा। मैंने उनको बोला यार अब डेमो का मेरे पास तो समय नहीं है, अब तो डेमो नहीं दे पाऊंगा, मैं पहले तो दे दिए शुरू शुरू में डेमो, तो बोलते हैं कि ऐसे में आपके पास कौन आएगा, वो जो बच्चे आपसे पढ़ते हैं भगवान उनको बचाए, इस तरीके की भाषा मतलब उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश करी, जो कि मुझे लगा कि थोड़ा सा रूड है, ऐसे रूडली आपको बात नहीं करनी है वरना आपके बनते बनते काम भी बिगड़ेंगे। आपने मुझसे संपर्क क्यों साधा था, आपने मुझसे संपर्क इसलिए किया था ताकि आपको एडमिशन लेना था, पढ़ाई करनी थी, यही तो था रीजन, मुझे ताना मारना या मुझे सुनाना या मुझे कुछ खचोरना परेशान करना ये तो मेरे ख्याल से आपका मकसद नहीं रहा होगा, लेकिन आपने वो सब कर दिया, नादानी में कर दिया या इनोसेंस में कर दिया, अनभिज्ञ हैं आप भी, आपको भी थोड़ा सा दुनियादारी थोड़ा सा कम पता है, तो जैसे जैसे आप मैच्योर होंगे, दुनियादारी समझेंगे, थोड़े से प्रूडेंट बनेंगे, तो तब आपको रियलाइज होगा कि लोगों से बात शुरू कैसे की जाती है, बात किस डायरेक्शन में ले जानी चाहिए, कैसे ले जानी चाहिए, हमको बात इस तरीके से रखनी चाहिए कि हमारा काम बने, हमको कभी भी बात इस तरीके से नहीं रखनी चाहिए कि हमारे काम पहले ही बिगड़ जाएं। तो ये कलाकारी थोड़ा सा आप लोग को सीखनी पड़ेगी, अब दुनिया ऐसी चलती है भाई, इसमें कोई नाक का सवाल नहीं है किसी की, ना मेरी नाक का सवाल है ना आपके, भाई जैसे मैंने कभी किसी से रूडली बात की होगी कभी लाइफ में तो उसका फल मुझे मिला होगा, तो मैंने वहीं से वो शिक्षा ली कि इस तरीके से बात नहीं करनी है, और वही शिक्षा आपको ट्रांसफर कर रहा हूं। तो इस तरीके से आप लोग बात मत करिए, मैसेज भेजने से बचिए। हमारे पास ठीक ठाक स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हमारे पास हमारे ऊपर उनकी जिम्मेदारी है और हम बहुत अच्छे से उनको पढ़ा रहे हैं, दे आर प्रीटी मच सेटिस्फाइड, कोई छोड़ के नहीं जा रहा है कोचिंग, टच वुड, आज तक कोई कोचिंग इस वजह से छोड़ के नहीं गया, मुझसे पढ़ाई इस वजह से तो छोड़ के नहीं गया कि आप गंदा पढ़ाते हैं, इस वजह से छोड़ के गया है कि अभी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो रही, अभी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं हो रही, अभी ये कंडीशन नहीं हो रही, बाकी इस तरीके से तो किसी ने हमसे ऐसा नहीं बोला कि सर समझ में नहीं आ पा रहा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि लोग ऐसा कह नहीं पा रहे, हो सकता है लोग छोड़ के जा रहे हो और मुझसे डायरेक्टली कह नहीं पा रहे हो,
ये भी हो सकता है, मैं उस चीज को डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी तो किसी भी चीज की है, पर जिस दिन कोई हमसे बोलेगा तो हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। वैसे ऐसे होगा नहीं, इतने साल का एक्सपीरियंस है, शुरू शुरू के एक आध साल जब मैंने नया नया पढ़ाया था मुझे तब डर लगता था कि समझ में आएगा नहीं आएगा, मैं बहुत संभल संभल के फूक फूक के कदम रखता था। उसके बाद हैबिट हो गई पढ़ाने की, उसके बाद आदत हो गई, अब तो आपके बोलने से पहले, आपके कुछ टाइप करने से पहले हम आपके क्वेश्चन समझ जाते हैं, अब हम उस फेज में हैं, ठीक है। और एक बात और, कमजोर डेमो मांगते हैं, कमजोर लोग, बुद्धि जिनकी खत्म हो चुकी है, डेमो। आप लोग ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एक मेंटल कैलिबर है आप लोग के पास, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को डेमो की अब जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो बोला जाएगा वो आप तुरंत समझ लेंगे। डेमो की जरूरत होती है उन लोगों को जो ट्वेल्थ पास होते हैं, नई नई कोचिंग ज्वाइन करते हैं या इलेवन ट्वेल्थ में होते हैं, कि सर एक डेमो, छोटे बच्चे जब ट्यूशन में जाते हैं ना तब माँ बाप बोलते हैं सर एक डेमो हो जाए कि बच्चे के समझ में आएगा या नहीं आएगा। इतना बड़ा बच्चा, इतना एमएससी का बच्चा स्टूडेंट अगर डेमो की बात करने लग जाए ना तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ये पक्का है, ये पक्की बात है, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सिलेबस कोई भी आपको पढ़ाएगा, एक्स वाई जेड इंडिया के किसी कोने में कोई आपको पढ़ाएगा तो आपकी समझ में आ जाएगा, ये इतना कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। डिफरेंस कहाँ पर आता है ना, डिफरेंस एक्सपीरियंसेस से आता है और टीचर की क्वालिटी से आता है। जैसे मेरे में और दूसरे टीचर में ये फर्क होगा कि मेरी नॉलेज उस दूसरे टीचर से थोड़ी अलग होगी, तो मैं जो आपको ट्रांसफर करूंगा अपनी नॉलेज वो उस टीचर से थोड़ी अलग होगी। लेकिन अगर सेम टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल आज हमने क्या पढ़ा था, आज हमने केमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े, हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट करने, या ग्लूकोज को मैनोज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये तीन चार कन्वर्जन्स आज हमने बहुत अच्छे से पढ़े। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मैंने पढ़ाया वैसा ही दूसरा टीचर पढ़ाएगा, वैसा ही तीसरा टीचर पढ़ाएगा, वैसा ही चौथा टीचर पढ़ाएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहां पर आता है, क्या टीचर पढ़ाएगा, डिफरेंस यहां पर आता है कि मैंने आपको ग्लूकोज टू फ्रक्टोज ये कन्वर्जन आपको सिखाया आज, तो क्या दूसरा टीचर भी आपको ये पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है तो आप उस टॉपिक से दूर हो गए, और अगर जिसने पढ़ाया है तो आपकी नॉलेज बढ़ गई, बस डिफरेंस यहीं पर आता है टीचर्स में। तो इसलिए डेमो किसी से मांगने की अब कोशिश थोड़ा कम करिए, टाइम भी कम है, डेमोबाजी के चक्कर में रहेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, राइट। सीधे क्लास ज्वाइन करिए, तुरंत क्लास ज्वाइन करिए, क्लासेस स्टार्ट करिए, पढ़ना स्टार्ट करिए, रफ कॉपी पेंसिल लेके नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, और विद इन 20 डेज सारे सिलेबस को जो पिछला छूट गया है, दो तीन महीने का सिलेबस आपका छूट गया है करीब करीब इस नए बैच का, ठीक है, जो नया बैच बना था तीन महीने पहले, उससे पहले हमारा जो बैच बना है, बैच चल रहा है, वो तो चल ही रहा है। तो ये जो नया बैच था इसका दो हार्डली 20 से 30 दिनों में, 20 दिन मान के मैक्सिमम चलते हैं, आप ये तीन महीने का सिलेबस कवर कर लेंगे, क्योंकि वीडियोज, ऑल वीडियोज आर अवेलेबल, ठीक है। तो हमारी जो टीचमेंट ऐप है उस पर हम पढ़ाते हैं, उसमें रिकॉर्डिंग सारी अवेलेबल है, तो आप लोग तुरंत ज्वाइन करिए। मेरा नंबर है 6396007220, 6396007220, आई रिपीट, राइट। तो इस पर मुझे व्हाट्सएप आप फटाफट करिए, जिसको भी क्लासेस ज्वाइन करनी है। और फिर से बोलूंगा कि फ्री सीट्स इस बैच में नहीं दे पाऊंगा, इस वाले बैच में, क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा डिस्काउंटेड और फ्री सीट्स हम उसमें फिल कर चुके हैं। अगला बैच हमारा जब भी बनेगा वहां पर फ्री सीट्स के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप लोग क्लासेस ज्वाइन करिए और फटाफट करिए। केमिस्ट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री। अभी तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ टाइम में हमारी खत्म होगी, उसके बाद हम फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, और फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करने के बाद फिर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये सब पढ़ेंगे। तो डोंट वरी, आपका सिलेबस वगैरह हो जाएगा, आपकी नॉलेज अच्छी हो जाएगी, और हम मीनवाइल बीच में टेस्ट आपके लेते रहते हैं, क्वेश्चंस का आइडिया आपको लगता रहता है। ये दिवाली का जो फेस्टिव सीजन चल रहा है, अभी एक हफ्ते तक चलेगा ये, हफ्ता 10 दिन, इसमें मैं थोड़ा टेस्ट लेना अवॉइड कर रहा हूँ। टेस्ट लेना इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि महिलाएं ज़्यादा पढ़ती हैं बैचेज में,
तो महिलाएं क्या होती हैं, उनको घर की जिम्मेदारी भी होती है, बच्चे भी देखने हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो टेस्ट के चक्कर में थोड़ा परेशान हो जाएंगी। इसलिए अभी कुछ दिनों तक टेस्ट हमने रोके हुए हैं, लेकिन क्लासेस हमारी रेगुलर हो रही हैं। तो प्रतिभा जी की कहानी से प्रेरणा लीजिए, शिक्षा लीजिए, ऐसे बधेरे बहुत सारे मैनी एग्जाम्पल्स आर अवेलेबल, ठीक है? तो उन सबसे हमको प्रेरणा लेनी है, शिक्षा लेनी है, आगे बढ़ना है। प्रतिभा जी की कहानी इसलिए बताई मैंने क्योंकि एक मैसेज हमारे पास मिलता जुलता आया था, ठीक है? उनको मैं, उनकी कंडीशन बहुत बुरी है, तो अगर वो ये मैसेज पढ़ रही हैं, ये वीडियो देख रही हैं, तो समझ लीजिए कि ये स्पेशली आप ही को डेडिकेटेड है। आप समझ जाएंगी कि हमने आप ही की आज बात की, आपका नाम यहां पर नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये पूरा वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है और आपको पढ़ाएंगे, हम पक्का पढ़ाएंगे, फ्री सीट्स आपको दे देंगे अगर आपकी, सिर्फ आपके लिए ये हम थोड़ा रियायत बरत देंगे क्योंकि आप वाकई में आप जेन्युइन लग रही हैं, तो डोंट वरी, ठीक है? बस पढ़िए। चलिए अभी तो आज तो धनतेरस है, हैप्पी धनतेरस टू यू ऑल, और दिवाली खूब अच्छे से इंजॉय करिए, खूब बढ़िया त्योहार है, जिंदगी में जितने त्योहार मना सको उतने मनाओ, खुशियां हैं, हॉर्मोन्स अच्छे करेंगी, मूड अच्छा करेंगी, पढ़ाई में मन लगेगा, जीने में मजा आएगा, राइट? चिड़चिड़ चिड़चिड़ कुड़कुड़ कुड़कुड़ करके रहोगे तो फिर ना पढ़ाई हो पाएगी ना कुछ हो पाएगा, खुश रहना है और मान के चलना है कि सिलेक्शन हो ही जाएगा क्योंकि कोचिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं आप लोग, ठीक है? चलिए, थैंक्स।